बचपन में ही त्याग दिया, उनके बारे में तो मैं सोचूंगी भी नहीं। मेरी दुनिया तो तुम सब हो। अब हमें हमेशा एक साथ रहना है और एक साथ मिलकर जिंदगी की हर लड़ाई लड़नी है। माँ, ये भी तो सच है कि हर दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे रात के बाद सुबह का सूरज निकलता है, वैसे ही एक दिन गम के बादल भी छट जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी के किसी मोड़ पे भी हमें खाना बदोश बनना होगा। जिंदगी हर हाल में जीना सिखा देती है। अब हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और क्या, अब तक आप दोनों ने हमें संभाला, पाल पोस कर बड़ा किया, अब हम आपकी देखभाल करेंगे। गंगा, देखो तो एक दिन में हमारी बेटियां कितनी बड़ी हो गई। हाँ, हमारा ये परिवार, ये बेटियां नहीं होती तो हम तो टूट चुके थे। हे ईश्वर, हमें शक्ति देना कि हम उन चीजों को बदल डालें जिन्हें बदल सकते हैं। हे ईश्वर, हमें शक्ति दो कि हम उन चीजों को सहन कर सके जिन्हें बदल नहीं सकते। हे ईश्वर, हमें विवेक दो कि हम बदलने के लायक और सहने के लायक बने, साथ ही साथ सही समय पर सही निर्णय ले सके। या मेरे मौला, गर्दिश में हमें सहने की तौफीक दे। और कितनी देर लगेगी, हमें वापस जाकर रिपोर्ट करनी है। अपनी बचपन की दोस्ती का वास्ता, मुझे ये बताओ तुम हो कहां अभी? हेलो हेलो कुसुमी, हेलो हेलो कुसुमी, हेलो। मुबारक हो डैड, आज तो आपको जश्न मनाना चाहिए, पार्टी देनी चाहिए। किस खुशी में? क्योंकि आप अपने मकसद में कामयाब जो हो गए, किसी को बेघर करने में। मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं डैड कि आपने नूर बीबी और उसके परिवार वालों को बेदखल करने के लिए गंदी साजिश नहीं रची।
गंदा खेल खेला है आपने डैड। मैं वो प्रॉपर्टी खरीदना जरूर चाहता हूँ शिव, लेकिन उन लोगों को सड़क पर लाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बात तो एक ही हुई, वो सड़क पर अपनी खुद की हरकतों की वजह से आए, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। ये आपने कैसे सोच लिया डैड? अब उनका केस मेरे हाथों में है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको उनकी कोटी वापस मिल जाए, और मुझे ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मैं सच्चाई का साथ दूंगा, जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगा, और मेरा दिल यही कहता है कि उनको उनकी कोटी वापस मिलना चाहिए। शिवराज ठाकुर, अगर तुमने अब उन बाजारू औरतों से कुछ भी ताल्लुक रखा तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। ठाकुर, अगर तुमने अब उन बाजारू औरतों से कुछ भी ताल्लुक रखा तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। देखो, ये उस प्रोजेक्ट की फाइल है जिसके लिए वर्षों से मैंने इतनी तैयारी की है। पानी की तरह पैसा बहाया मैंने, अब अगर किसी चीज की जरूरत है तो सिर्फ उस कोठी के ओरिजिनल पेपर्स की। सरकारी दस्तावेज के मिलते ही वो जगह हमारी हो जाएगी। और एक तुम हमारे खिलाफ जाने की सोच रहे हो? डैड, अगर आज मैं आपके खिलाफ जा भी रहा हूं ना, तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। अपना आशियाना खड़ा करने के लिए दूसरों का घर नहीं उजाड़ा करते। किसका घर? वो बाजारू औरतें उस जगह पर लीज में रह रही थी, उनके लीज का पीरियड खत्म हो गया। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। डैड, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक लॉयर हूं, और अपने आप को सच साबित करने के हजारों तरीके होते हैं। वो सच्चाई क्या है हम सभी जानते हैं। कैसा सच? अपने दिमाग से बेकार की बातें निकाल दो शिव। अगर तुम्हें सामाजिक बदलाव लाने का इतना ही शौक है तो अपने स्तर के लोगों के बीच उठो बैठो। उन छोटे लोगों का साथ तुम्हें कोई ऊंचाई नहीं दे पाएगा। Excuse me, Dad. मुझे ऐसी कोई ऊंचाई पर नहीं जाना है जहां से मुझे दूसरे लोगों का दुख और दर्द ना दिखाई दे। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं चाहिए शिव। तुम्हारे सामने अब दो ही रास्ते हैं, सोच समझ कर तय करना। तुम अपना परिवार का साथ देना चाहते हो या फिर उस कोठी वाली का? डैड, मुझे यकीन नहीं होता कि आप ही वो इंसान हैं जिसने मुझे ईमानदारी के पाठ पढ़ाए थे। मैं अपनी जिंदगी में डबल स्टैंडर्ड रख के नहीं जीना चाहता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दोस्त कुसुमी का साथ दूंगा, और मुझे यह करने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। शिव बेटे, नहीं जानवी, अब समझाने पुछाने का वक्त नहीं रहा। आज इसने साबित कर दिया कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो बरखुरदार, तुम्हें अपनी दोस्ती निभानी है ना, शौक से निभाओ, लेकिन इस घर में रहकर नहीं। तुम्हें अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा एक ही तो बेटा है। तुम अच्छी तरह से जानती हो जानवी, ये घर मेरे फैसले से चलता है। अगर तुम्हारे इस नालायक बेटे ने बगावत का बिगुल बजाया है तो हम भी इस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ते हैं। ये बेटा नहीं हमारा, दुश्मन है। और एक दुश्मन को मैं अपने घर में पनाह नहीं दे सकता।
ही हमारा दुश्मन है। और एक दुश्मन को मैं अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। भगवान के लिए आप दोनों चुप हो जाइए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? माँ बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने इनकी। अब आपको मेरी खातिर इनके आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ आप ही कहती थी ना कि हमेशा अपने दिल की सुनो। आज मैं अपने दिल की सुन रहा हूं और मेरा दिल यह कह रहा है कि सच का साथ दो। और सच क्या है ये हम सभी जानते हैं। अपने उसूलों के आगे बड़े से बड़ा बलिदान मंजूर है मुझे। शिव, ये तुम क्या कर रहे हो? गुस्से में तुम दोनों अपना होश खो बैठे हो। जानवी, आज तुम्हारे इस बेटे ने साबित कर दिया कि उसे माँ बाप से ज्यादा वो कोठे वाली प्यारी है। लेकिन एक दिन इसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मैं भी यही चाहता हूं, एक दिन आपको भी इस बात का एहसास होगा कि पैसों से परिवार की इज्जत नहीं होती। जिंदगी में उठाया एक सही फैसला परिवार की इज्जत में चार चांद लगा देता है। तुमसे अब हमें इज्जत की कोई उम्मीद नहीं। तुमने हमारी नाक कटवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तुम्हें इस घर से जाने के लिए किसने कहा? अंजनी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए। कम से कम मेरी गैर मौजूदगी में तुम मॉम डैड का ख्याल तो रख पाओगी। मुझ पर तरस मत खाओ शिव, मैं तो जी लूंगी, लेकिन अंजनी तुम्हारे साथ ही जाएगी। एक पत्नी को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। जानवी तुम, और यही परंपरा, यही आदर्श। मैं भी तो आई थी आपकी परछाई बनकर जब आपने माजी का घर छोड़ा था। आज ये वचन अंजनी को भी निभाना होगा। जब एक बाप ने अपने बेटे को निकालने का फैसला कर ही लिया है और बेटे ने घर छोड़ने का, अंजनी का यहाँ क्या काम है? आखिर साथ देने का वचन तुम्हें भी निभाना है। मेरे बेटे का ख्याल रखना आज से इसकी जिम्मेदारी तुम पर। चलो अंजनी।
सरकार बनाम नूरबीबी वगैरह सरकारी घोषित की जाती है कि इस भवन में आपका कब्जा अवैध माना जाता है, लिहाजा सरकार इसे अपने पक्ष में सील करती है। द्वारका पांडे, मामला कुछ गड़बड़ है, किसी अनहोनी की सुगंध आ रही है, भैये कुछ करना पड़ेगा। हम पर अपनी इनायत करो पापा, आज हम पर कोई छत नहीं, अपने ही घर से रुखसत कर दिए गए, हमारी जिंदगी में ऐसी वीरानी का इजाफा मत करो, हमें रास्ता दिखाओ, हमारी मदद करो। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चे जल्दी घर लौट कर चले आए। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। धनराज ठाकुर जितना सीधा दिखाई देता है उतना है नहीं। समय आने पर इस कहानी से पर्दा उठाना होगा द्वारका पांडे।